नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास। और इसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए, साथियों प्रत्येक दिन यह क्लास हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी की क्लास को करने का काम करते हैं। इसमें अगर हम बात करें साथियों, तो इसका लगभग आपका 95% सिलेबस आपका समाप्त हो चुका है। 95% सिलेबस समाप्त हो चुका है। लगभग 2-4% सिलेबस आप लोगों का जो बचा हुआ है, थ्योरी की क्लास ये प्रत्येक दिन होती है। और जो भी 2-4% आप लोगों का सिलेबस बचा हुआ है, उसे बहुत जल्द ही जल्द प्रत्येक दिन क्लासें आप लोगों को दी जा रही है, उन क्लासों में ये करवा दिया जाएगा। बाल विकास में साथियों, ये 58 नंबर की क्लास है आप लोगों को जो आज की क्लास दी जा रही है। और इस क्लास में हम लोग समस्यात्मक बालक के बारे में बात कर रहे हैं। समस्यात्मक बालक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने यह जाना साथियों कि समस्यात्मक बालक की विशेषता क्या होती है, समस्यात्मक बालक के विषय में कौन कौन से विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं, उसके भी बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना, जो कि एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि निम्न कथन किस विद्वान का है, निम्न कथन किस विद्वान से संबंधित है। साथ ही साथ साथियों, हम लोगों ने समस्यात्मक बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। हमने यह भी जाना साथियों कि समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में विभाजित किया है, समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब आज की क्लास में साथियों, हम लोग जानेंगे कि समस्यात्मक बालकों के कारण कौन कौन से होते हैं, आज की क्लास में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, सभी क्लासें देखा करिए आप लोग। पिछली क्लासें साथियों प्रॉपर आपके अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी क्लासें एक सीक्वेंस में ऐड कर दी गई हैं साथियों, वहाँ से जाके आप लोग सभी क्लासों को देख सकते हैं। आपका बिल्कुल विधिवत जबरदस्त तरीके से थ्योरी की क्लास यहाँ पे कराई गई है कि अगर आप लोग इन क्लासों को लेते हैं, इन क्लासों को अगर आप देखते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दें, चाहे सी टेट का एग्जाम दें, चाहे सुपर टेट का एग्जाम दें, बाल विकास जो 30 नंबर के पोर्शन होता है साथियों, आप लोगों से पूछा जाता है। अगर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से अगर बाहर आ गया, तो आप जो कहेंगे सो ठीक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब आइए हम लोग बात करेंगे कि समस्यात्मक बालकों के साथियों कारण कौन कौन से होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, हम बताएं आपको कि बालकों के व्यवहार में इतनी जटिलताएं होती हैं साथियों, कारणों के आधार पर अगर हम बात करें, तो इसका मूल्यांकन करना काफ़ी मुश्किल कार्य माना गया है कि कौन कौन से कारण होते हैं। कई बार परिस्थितियां ही साथियों व्यवहार की जटिलता का निर्धारण करती हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति बनती है साथियों कि व्यक्ति को जानबूझ कर व्यवहार में जटिलता लाना पड़ता है। कई बार साथियों परिस्थितियां ही व्यवहार की जटिलता का निर्धारण करती हैं, तथा कई बार साथियों कारण ही जटिलता का कारण बन जाता है। कारण और परिस्थितियां व्यवहार को और जटिल और गंभीर बना देती हैं। व्यवहार की जटिलता का मुख्य कारण अगर हम बात करें साथियों, तो वो वंशाग्रत और वातावरण माना गया है। अगर समस्यात्मक बालकों के बारे में अगर हम बात करें साथियों कि उनके व्यवहार में जटिलता का मुख्य कारण क्या होता है, तो उनके व्यवहार में जटिलता का मुख्य कारण उनका वंशानुग्रत माना गया है। और साथ ही साथ उन्हें कैसा एटमोसफियर दिया गया, कैसे वातावरण में बालकों को रखा गया साथियों, यह भी काफी मायने रखता है। ठीक, तो साथियों अगर हम वंशानुगत के बारे में बात करें, सबसे पहले हम वंशानुगत अर्थात हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। वंशानुगत के बारे में बात करेंगे।
तो साथियों वंशानुगत के बारे में हम बात करें तो कुछ बालकों को अपने माता पिता से ऐसे गुण प्राप्त होते हैं, कुछ बालकों को साथियों अपने माता पिता से ऐसे गुण प्राप्त होते हैं जो उनके व्यवहार को और जटिल बना देते हैं। जैसे अगर बात करें साथियों तो अल्प बुद्धि का होना जो होता है, यह साथियों कुछ बालकों को उन्हें अपने माता से प्राप्त होता है। किसे? अपने माता पिता से प्राप्त होता है। अगर बालक की बुद्धिलब्धि कम है और वह अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता तो उसका व्यवहार जटिल हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साथियों तो जिनके माँ बाप अंधे होते हैं, शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, ये कारण भी साथियों बालक की व्यावहारिक जटिलता की ओर ही अग्रसित करता है। व्यावहारिक जटिलता की ओर ही यह सभी कारण जो होते हैं कि कोई बच्चे माँ बाप अंधे होते हैं, बच्चों के माता पिता शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं, ये सभी कारण जो होते हैं साथियों ये बालक की व्यावहारिक जटिलता की ओर जटिल बना देते हैं। अगर बात करें साथियों तो बालक में किसी प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं, शारीरिक दोष अगर होते हैं तो यह दोष साथियों बालक के व्यवहार की जटिलता को बढ़ा देते हैं। जो बालक आयु दृष्टि से छोटे बड़े, मोटे या पतले, गूंगे, दृष्टिहीन और विकलांग होते हैं उनमें कई प्रकार की व्यवहारिक जटिलताएं पाई जाती हैं। ये साथियों वंशानुगत का कारण माना गया है। अगला कारण साथियों एनवायरमेंट अर्थात वातावरण का माना गया है। वातावरण को किस प्रकार से साथियों कारण बताया गया हम ये जानेंगे। वातावरण साथियों मुख्य रूप से बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है। वातावरण जो होती है यह सामान्यतः मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यह किसको प्रभावित करने का काम करती है, यह बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है। अतः साथियों यह आवश्यक है कि बालक के आसपास यानी घर परिवार में, स्कूल में और आसपास का जो सामाजिक वातावरण हो उस पर ध्यान दिया जाए। वातावरण के संबंध में भी साथियों इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला घर का वातावरण बताया गया कि घर का वातावरण कैसा है। दूसरा साथियों यह बताया गया कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, जिस स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है उसका वातावरण क्या है अर्थात स्कूल का वातावरण। और तीसरा और अंतिम साथियों वातावरण को बताया गया कि सामाजिक वातावरण क्या है, बालक का जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण, ये सभी साथियों तीनों जो हैं ये वातावरण को 3 भागों में विभाजित किया गया कि बालक का जो है घर का वातावरण क्या है ये भी डिपेंड करता है, स्कूल का वातावरण क्या है इस पर भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ सामाजिक वातावरण क्या है इन चीज़ों पे भी बल दिया जाता है। तो साथियों अगर घर के इन सभी के वातावरण को भी विभाजित किया गया, इन सभी के वातावरण को भी विभाजित किया गया और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है साथियों, इसे आप लोग समझिएगा, साथ ही साथ अपने जीवन में आप लोग फॉलो भी करिएगा। अगर अच्छे घर परिवार चलाना चाहते हैं तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, घर परिवार चलाना चाहते हैं अच्छे से, तो इन चीज़ों पे विधिवत आप लोग स्वयं से भी मंथन करिएगा, मैं भी जो कुछ समझ पाता हूँ वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर घर के वातावरण की बात करें साथियों तो जन्म के पश्चात बच्चे का पालन पोषण प्रायः घर में ही होता है, ये आप सभी जानते हैं। जो जो बच्चा बड़ा होता है वह चलना व बोलना सीखता है, घर के वातावरण से ही ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इस कारण साथियों आवश्यक यह होता है कि घर का वातावरण बच्चे की आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। बच्चे की जो आवश्यकता है उसके आवश्यकता अनुसार ही घर का वातावरण होना आवश्यक होता है। घर के सदस्यों का व्यवहार भी बच्चों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है। साथियों यही व्यवहार बालकों पर सकारात्मक व नकारात्मक व्यवहार भी डालता है। जैसे अगर बात करें साथियों तो इसे भी विभाजित किया गया तो पहला कारण बताया गया निर्धनता का भी साथियों बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे हम जो लोग जानेंगे। निर्धनता का साथियों बालक का क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम बात करें तो विकासशील देश जो होते हैं साथियों वो गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं। जितने भी विकासशील देश हैं वो सभी लोग किससे? गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसमें हमारा भारत भी जुड़ा हुआ है साथियों। गरीबी को
गरीबी को पाटने की बजाय और भी बढ़ा दिया जा रहा है। गरीब का घर बालक शहर में आधुनिक उपयोग की वस्तुओं को देखता है तो उसके मन में क्या होता है, कुंठा का भाव उत्पन्न होता है, कुंठा का भाव क्या होता है, उत्पन्न हो जाती है। और साथियों अगर बात करें तो यही जो कुंठा की भावना होती है यह उसके व्यवहार को जटिल बना देती है। कुंठा की भावना के मतलब यह है कि जब ग्रामीण क्षेत्र का बालक अगर शहरी क्षेत्र के बालक की सुविधाओं को सुख सुविधाओं को देखता है और उसे यह महसूस होता है, हीन भावना, अपने आप को हीन भावना से महसूस करता है, उसकी मानसिकता कुंठित होती है, तो उन सभी चीज़ों को उसके लेकर साथियों उस बालक के अंदर क्या होता है, नकारात्मकता की भावना उत्पन्न होती है और उसके व्यवहार में क्या होती है, उसके व्यवहार में भी जटिलता होती है। उसके माता पिता साथियों गरीबी के कारण उसका खर्च नहीं उठा सकते, इस प्रकार गरीबी भी उसके जटिलता के व्यवहार का एक क्या होता है, एक कारक माना गया है। निर्धनता भी है साथियों, यह बालक के व्यवहार को इस जटिलता को क्या माना गया, एक कारण बताया गया। दूसरा कारण साथियों बताया गया बड़ा परिवार, दूसरा कारण क्या बताया गया, बड़ा परिवार अर्थात लार्ज फैमिली, बड़ा परिवार। बड़े परिवार की अगर हम बात करें साथियों तो अज्ञानता के कारण कुछ लोग बड़े परिवार भी बना लेते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण घर का जो खर्च होता है वो चलना मुश्किल हो जाता है। जब आप लोगों की शादी विवाह हुई उसके बाद जब बच्चे पैदा करना हुआ तो आप लोग कई बच्चे पैदा किए, उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाना लिखाना हुआ, उनका जो दैनिक खर्च हुआ या अन्य जो उनकी जो बेसिक आवश्यकता है, आवश्यकता की चीज़ें हैं, जब उसे पूर्ति करने की जरूरत पड़ी साथियों तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं, कमज़ोर वहाँ पे पड़ते हैं। तो साथियों यह भी जो कारण होता है कि परिवार को बड़ा कर लेना, उसके बाद साथियों परिवार को चलाने के लिए समुचित प्रबंध आपके पास न उपलब्ध होना भी, यह भी एक क्या होता है, यह भी एक बच्चे के व्यवहार में जटिलता लाने का कारण होता है। और अगर बात करें साथियों तो बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जब बड़ा परिवार होता है, खर्च ज़्यादा होता है, खर्च चलना मुश्किल हो जाता है, तो आप उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएं। पैसे की कमी के कारण माँ बाप बच्चे की साधारण आवश्यकता को भी पूर्ण नहीं कर सकते। इसका सीधा प्रभाव साथियों बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और उसका व्यवहार असामाजिक हो जाता है और अपनी दबी इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह माँ बाप के लिए समस्या पैदा करने की शुरुआत कर देता है। यह भी एक कारण। दूसरा कारण होता है साथियों अशिक्षा। दूसरा कारण क्या होता है, अशिक्षा, इलिटरेट, अशिक्षा। अशिक्षा कारण साथियों तीसरा कारण बताया गया। तो अशिक्षा की बात करें तो अनपढ़ता भी एक अभिशाप है, अनपढ़ता भी एक अभिशाप है। आज़ादी के पश्चात शिक्षा जगत में काफ़ी उन्नति हुई, लेकिन अभी भी साथियों काफ़ी कुछ करना बाकी है। अशिक्षित माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते, उनको अपने व्यवसाय या दूसरे छोटे मोटे कार्यों में लगा देते हैं। बच्चे जब विद्यालय में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से साथियों उनके व्यवहार में अंतर आ जाता है तथा वे कक्षा के अध्यापक या दूसरे बच्चों की समस्याएं दूसरे बच्चों के लिए क्या करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। यह साथियों कारण क्या होता है, अशिक्षा भी एक कारण बताया गया। चौथा कारण अनुशासन बताया गया, डिसिप्लिन, ये तीसरा नंबर है साथियों। चौथा कारण क्या बताया गया, अनुशासन बताया गया, डिसिप्लिन। अनुशासन की हम बात करें साथियों तो कुछ माता पिता जो होते हैं वो घर की आवश्यकता से अधिक अनुशासन रखते हैं। अधिक अनुशासन होने के कारण बालकों की इच्छाओं का दमन होता है तथा इच्छाओं का दमन उनके व्यवहार की जटिलता को बढ़ा देती है। इसी प्रकार बहुत ढीला अनुशासन भी बालक के व्यवहार में जटिलता को बढ़ाने का काम करता है। तो साथियों घर का जो अनुशासन होना चाहिए वो न तो अधिक सख्त होना चाहिए ना ही अधिक नर्म होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना अनुशासन हो कि माता पिता और बच्चे के बीच जो संबंध हो, माता पिता और बच्चे के बीच जो संबंध हो, आपसी प्रेम भाव, शिष्टाचार जो होता है साथियों, ये सभी चीज़ें क्या हों, बनी रहें, सिर्फ इतनी ही अनुशासन रखना चाहिए, ना अधिक सख्त ना अधिक लचीला रखना चाहिए। पांचवा साथियों कारण बताया गया अनैतिक आचरण बताया गया पांचवा कारण। अनैतिक आचरण के संबंध में बात करें अर्थात साथियों इमोरल बिहेवियर। अनैतिक आचरण का मतलब हुआ इमोरल
बिहेवियर। तो साथियों, अनैतिक आचरण के बारे में हम बात करें तो कुछ माता पिता तथा घर के अन्य सदस्य गलत कार्यों, जैसे बात करें तो शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, चोरी करना इत्यादि जैसी चीज़ें जो होती हैं, साथियों माता पिता इन सब चीज़ों में लगे होते हैं, इन सब चीज़ों में व्यस्त होते हैं, बच्चों को भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका सब प्रभाव साथियों बालक पर पड़ता है और उसके व्यवहार में क्या होती है, जटिलता आती है। अगला साथियों छठवां और अंतिम जो कारण बताया गया वह बताया गया अन्याय का। कौन सा अन्याय अगला कारण बताया गया? अन्याय के संबंध में हम बात करें साथियों तो कुछ माता पिता घर में बच्चों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, बात बात पर उनको डांटते रहते हैं, उनके अच्छे कार्यों के लिए उनकी प्रशंसा भी नहीं करते, बच्चों में देखभाल करते हैं, अर्थात लड़का लड़की में फर्क भी समझने का काम जो माता पिता गार्जियन पेरेंट्स संरक्षक होते हैं वो करते हैं। इसका साथियों सबका प्रभाव बालक के व्यवहार को जटिल बनाने का काम करता है। जो आप विभेद करते हैं बालक बालिका में, या तो साथियों को जैसे मान लीजिए घर में दो बच्चे चार बच्चे हैं तो किसी को कम डांटना, किसी को ज़्यादा डांटना, किसी को ज़्यादा स्नेह भाव देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये सब क्या करती हैं बालक के साथियों व्यवहार पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं और जटिल बनाती हैं। ठीक साथियों, ये साथियों घर का वातावरण बताया गया। अगला साथियों अगर हम स्कूल के वातावरण की बात करें, ये घर का वातावरण बताया गया, दूसरा हम बात करें स्कूल का वातावरण, इसमें भी कई कारण बताए गए। स्कूल के वातावरण में भी साथियों कई कारण बताए गए। पहला कारण साथियों अगर हम बात करें, सबसे जानिए स्कूल के वातावरण के बारे में, तो साथियों बालक जो होता है वो घर से निकलकर सीधा स्कूल जाता है। विद्यालय का व्यवहार अगर बालक के अनुकूल नहीं होता है तो यह वातावरण के साथियों व्यवहार में जटिलता विकसित करने के लिए उत्तरदायी कहा गया है। अगर स्कूल में अध्यापक पूरी तैयारी से नहीं पढ़ाता है तो इससे भी बच्चे में असामान्य व्यवहार का जन्म होता है। इसका साथियों पहला कारण बताया गया अध्यापक का व्यवहार, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहला कारण बताया गया। अध्यापक का व्यवहार क्या है? स्कूली वातावरण के संबंध में, अध्यापक के वातावरण के संबंध में कहा गया साथियों कि विद्यालय के अंदर अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ किया गया व्यवहार उसके व्यवहार को साथियों प्रभावित करता है। कई अध्यापक बच्चों को बुरा भला भी कहते हैं, कक्षा में उनकी बिना बात के ही बेइज्जती भी करने का काम करते हैं, या तो साथियों कभी कभी गाली गलौज भी करने का काम करते हैं। इन सब का प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है। कई बार साथियों अध्यापक कक्षा में बच्चों के साथ साथियों भेदभावपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। एक कसूर के लिए एक बच्चे को कुछ नहीं कहता, लेकिन उसी सेम कसूर के लिए दूसरे बच्चे को सजा दे दी जाती है। इससे बच्चे पर नकारात्मक व्यवहार पड़ता है और उनके व्यवहार में जटिलता आती है। सेम ही अपराध है, लेकिन जब आपको दंड देना पड़ा तो सेम दो प्रकार के, मतलब दो तरीके के बच्चे हैं, सेम कसूर सेम गलतियां हुई हैं, लेकिन एक बच्चे को आप कोई भी दंड नहीं दे रहे हैं और दूसरे बच्चे को अगर आप दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, बच्चे के अंदर नकारात्मक व्यवहार की उत्पत्ति होती है। अगला साथियों कारण बताया गया कि अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है। अध्यापक का व्यक्तित्व यह भी बहुत मायने रखता है। अध्यापक के व्यक्तित्व के संबंध में कहा गया साथियों कि अध्यापक के व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव भी बालक पर ही पड़ता है। अगर अध्यापक पढ़ाने के लिए स्वयं पूरी तैयारी करके आता है, वह कक्षा में उचित ढंग से पढ़ाता है तथा बच्चे भी मन लगा कर पढ़ते हैं, और अगर वह न तो नहाता होता है, न ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और फिर साथियों लेट आता है, अगर विद्यालय में अध्यापक लेट आता है, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन के आता है, नहा धोकर नहीं आता है, तो साथियों उसे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे भी ऐसा अध्यापक कक्षा में ठीक से पढ़ा भी नहीं सकता। अध्यापक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। अध्यापक का व्यक्तित्व ऐसा हो कि जिससे बच्चों पर क्या हो, सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। अगला साथियों कारण बताया गया अनुशासन। अनुशासन भी साथियों स्कूल के वातावरण के संबंध में बताया गया। अनुशासन कैसा होना चाहिए हम जानेंगे। घर के लिए अनुशासन दूसरा और स्कूल के लिए अनुशासन की बात दूसरी है। प्रायः अगर हम बात करें साथियों तो यह देखते हैं साथियों, यह देखने के लिए मिलता है
कि विद्यालय का अनुशासन या तो बहुत अधिक कठोर होता है या फिर बहुत ही अधिक ढीला होता है। या साथियों दोनों प्रकार का अनुशासन बालक के व्यवहार को जटिल बना सकता है, चाहे वो घर का अनुशासन हो चाहे वो विद्यालय का अनुशासन हो, न ज़्यादा कठिन हो न ज़्यादा लचीला हो, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा क्या हो लचीला हो, नहीं तो विद्यालय का जो व्यवहार होता है उसमें जटिलता आ जाती है। विद्यालय का अनुशासन इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि विद्यालय बच्चे के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अनुशासन सब बच्चों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, तथा विद्यालय में अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर अनुशासनहीनता होती है विद्यालय में तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? विद्यालय प्रशासन होगा और स्कूल का वातावरण जो होगा वो प्रभावित होगा। अन्य प्रकार के बच्चे जो हैं साथियों, अन्य जो बच्चे भी हैं, विद्यालय का अगर वातावरण ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ेगा, उन बच्चों पर भी पड़ेगा साथियों। तीसरे के बाद चौथा कारण बताया गया नियमों का पालन, कि नियमों का पालन स्कूल में किस प्रकार से किया जाए और करवाया जाए। नियमों का पालन, नियमों के पालन के संबंध में हम बात करें तो साथियों कई विद्यालय ऐसे होते हैं जो छात्रों के लिए कई प्रकार के नियम बना देते हैं, लेकिन उनका अनुपालन बहुत ही कठिन हो जाता है। कई बार अधिक सख्त नियम भी बना दिए जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग कम भी किया जाता है। विद्यालय में नियम साथियों इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए जिसका आसानी से पालन किया जा सके तथा बच्चे के व्यवहार पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े। अति कठोर साथियों नियम बालक के व्यवहार को भी जटिल बना देता है, और जब भी नियम बनाया जाए, विद्यालय का जब भी नियम बनाया जाए तो उस नियम को इस प्रकार बनाया जाए साथियों कि उस नियम को बच्चे भी फॉलो करें, साथ ही साथ वहां पे जो अध्यापक हैं शिक्षक हैं साथियों इन दोनों लोगों के लिए भी लागू होना चाहिए। नियम सेम नियम दोनों लोगों के लिए लागू हो और अच्छे रूप से समुचित तरीके से उसका पालन भी करवाया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। नहीं तो मान लीजिए बच्चों के ऊपर आप बहुत ज्यादा लागू करवा रहे हैं, अध्यापक के ऊपर अगर यह सही तरीके से लागू नहीं होता तब भी बच्चों के अंदर नकारात्मक की भावना आएगी। तो जो नियम और रेगुलेशन हो वो सबके लिए समान होना चाहिए। पांचवा कारण इसके संबंध में बताया गया साथियों कि मार्गदर्शन की कमी, मार्गदर्शन की कमी भी स्कूल के वातावरण के अंतर्गत आता है। मार्गदर्शन की कमी, इसके बारे में हम बात करें, मार्गदर्शन की कमी के बारे में हम बात करें साथियों, तो जब बालक को उचित ढंग से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है तो इसका सीधा प्रभाव साथियों उसके किस पे व्यवहार पे पड़ता है। यह विद्यालय का कर्तव्य बनता है कि वह बालकों का उचित मार्गदर्शन करे जिसके कारण साथियों वो अपने भविष्य का रास्ता भी तय कर सके कि कौन सा बालक किस प्रतिभा का है, कौन से बालक की किस चीज़ में रुचि है, उस चीज़ को शिक्षक अच्छे से जाने समझे पहचाने, उसके बाद संबंधित छात्र से अध्यापक का साथियों व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार से हो, उसका नेचर ऐसा हो कि वह डायरेक्ट प्रत्येक बच्चे से, कक्षा के प्रत्येक बच्चे के बारे में उसे समुचित जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का नेचर क्या है, बच्चे का व्यवहार, बच्चे का स्वभाव क्या है। उस चीज़ को अच्छे से जानने के बाद, समझने के बाद संबंधित बच्चे को साथियों उसे सजेस्ट करना चाहिए, उसे जानकारी देना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में अपना कदम रखें उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बता दूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा जो भी होता है वह अपने जीवन में एक कार्य ऐसा जरूर होता है कि अगर उसे वो अच्छे से जान ले समझ ले, अगर उस क्षेत्र में अच्छी मेहनत करे तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग डीएम ही बन जाएंगे, सभी कलेक्टर बनेंगे, सभी मास्टर बन जाएंगे, सभी डॉक्टर बनेंगे, सभी इंजीनियर बन जाएंगे, सभी गायक बनेंगे, सभी क्रिकेटर। प्रत्येक बच्चे के अंदर एक प्रतिभा ऐसी जरूर होती है कि अगर वह अपनी प्रतिभा को जान ले, अच्छे से समझ ले या उसे साथियों गाइड किया जाए तो वह जो छात्र होगा, वह छात्र उस क्षेत्र में हर हाल में वो सफल होगा, ये निश्चित मेरा दावा है इस चीज़ के लिए। ठीक, तो उसे साथियों बालक को क्या हो कि उचित रास्ता बताया जाए, उसके भविष्य का रास्ता भी तय किया जाए, यह जिम्मेदारी शिक्षक की होती है। अगर हम साथियों बालकों को उसकी योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो उसके व्यवहार में क्या होगी, नकारात्मकता नहीं आएगी, क्योंकि जब वह उसे विपरीत दिशा में नहीं भेजेंगे जिस क्षेत्र में उस बालक की रुचि होगी, जिस क्षेत्र में उस बालक की रुचि होगी उसी क्षेत्र में अगर उसे हम सजेस्ट करेंगे तो वो सफल होता चला जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या होगी, नकारात्मकता की भावना नहीं उत्पन्न होगी और वह साथियों एक अच्छा नागरिक बनकर देश की खुशहाली में अपना योगदान भी प्रदान कर सकेगा। इस कारण साथियों विद्यालय के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि बालकों का उचित मार्गदर्शन किया जाए। अगला साथियों कारण, अंतिम कारण बताया गया कि सहानुभूति की कमी भी नहीं होनी चाहिए स्कूल में, स्कूल का वातावरण जो हो वो सहानुभूति कमी उस वातावरण में नहीं होनी चाहिए।
सहानुभूति की कमी। सहानुभूति की कमी, सहानुभूति की कमी के संबंध में हम आपको बताएं साथियों, लैक ऑफ सिंपैथी, लैक ऑफ सिंपैथी। तो साथियों, विद्यालय में समाज के सभी प्रकार के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। कोई भी विद्यालय हो साथियों, प्रत्येक समाज का कोई भी विद्यालय हो, प्रत्येक समाज का साथियों, प्रत्येक समाज से जुड़ा हुआ जो विद्यार्थी होता है वो पढ़ने के लिए आता है। प्रत्येक छात्र की साथियों सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई भी छात्र होता है, सभी छात्रों की अलग अलग सामाजिक स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति भी अलग अलग होती है। कुछ बालक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं, या तो कहें साथियों कि कुछ बालक शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर भी हो जाते हैं। अध्यापक का व्यवहार साथियों इस प्रकार के बालकों पर भी हो सकता है। अतः अध्यापक का व्यवहार जो हो साथियों इस प्रकार के बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब चाहे बालक किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज का, किसी भी प्रजाति का हो, लेकिन जो अध्यापक का व्यवहार होना चाहिए वो प्रत्येक समाज के प्रत्येक प्रकार के बालक के प्रति क्या हो, सहानुभूति की भावना उसके अंदर होना चाहिए। और उसके ऊपर साथियों सकारात्मक प्रभाव भी बालक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अध्यापक को छात्रों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए, न कि उनकी इच्छाओं का साथियों दमन करना चाहिए। अध्यापक को हमेशा जो छात्रों की इच्छा हो उसका सम्मान किया जाए, ना कि उनका दमन किया जाए। ये साथियों हम लोगों ने दो प्रकार के वातावरण को जाना, घर का वातावरण और स्कूल का वातावरण। अब साथियों हम लोग अंतिम वातावरण जानेंगे कि सामाजिक वातावरण क्या होता है। सामाजिक वातावरण क्या होता है इसे हम जानेंगे, हम यहां पे लिख दे रहे हैं। ये साथियों दोनों चीजें क्या हैं, अलग अलग हैं, दोनों चीजों साथियों अलग अलग हैं। अब हम यहीं बीच में लिख दे रहे हैं साथियों, बीच में हम आप लोगों के लिए लिख देंगे कि सामाजिक वातावरण कैसा होता है। या तो इसे आप लोग, चलिए हम ये वाला मिटा देते हैं, घर का वातावरण हम मिटाते हैं, ठीक। और आप लोग उधर का नोट कर लीजिएगा अगर नोट नहीं किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, समझने वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझना अत्यंत आवश्यक भी है। भविष्य के लिए अगर आप बात करें तो समझना अत्यंत आवश्यक है। अगला और अंतिम हम बात करेंगे साथियों किसका, सामाजिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के बारे में हम बात करें तो सामाजिक वातावरण भी साथियों बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक वातावरण बालक की व्यवहारिक रुचियों के अनुकूल होना चाहिए। कुछ साथियों कारण बताए गए, पहला बताया गया सामाजिक वातावरण के संबंध में, पहला साथियों कारण बताया गया जातीय भेद। क्या बताया गया, जातीय भेद। जातीय भेद साथियों पहला कारण बताया गया। जातीय भेद के हम बारे में बात करें साथियों तो हमारा देश विभिन्न जातियों तथा धर्मों का देश है। विभिन्न जातियों तथा धर्मों का साथियों देश हमारा भारत देश है। छोटी जाति के लोगों के साथ साथियों यहाँ भेदभाव किया जाता है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया, सिख, ईसाई जातियों का लेकर साथियों क्या होता है, अत्यंत भेदभाव किया जाता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ घृणा की भावना से एक दूसरे को देखने का काम करते हैं। यह सब साथियों बालक के व्यवहार को जटिल बनाते हैं। अतः यह आवश्यक है साथियों कि सामाजिक वातावरण बालक के अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार के कि तुम बनिया हो, तुम ठाकुर हो, तुम पटेल हो, तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम मुस्लिम हो, या तुम कुछ भी हो साथियों, तुम ब्राह्मण हो, इस प्रकार की भावना सामाजिक वातावरण को लेकर अगर देखें तो किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसका प्रभाव साथियों बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है, बालक के व्यवहार पर पड़ता है। उसका व्यवहार क्या होता है, जटिल प्रकार से होता है। जातीय भेद साथियों किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से कहीं भी नहीं होना चाहिए जातीय भेद। अगली बात साथियों बताई गई चलचित्र या टीवी जो कि आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, धारावाही से संबंधित चीज़ें या सीरियल वगैरह, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। चलचित्र या तो शॉर्ट में इसे हम टीवी कहें, टेलीविज़न जो होता है,
इसका प्रभाव कैसे पड़ता है साथियों? तो टेलीविजन की अगर हम बात करें तो गंदे तथा निम्न स्तर के जो चलचित्र होते हैं यह भी बालक के व्यवहार पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ऐसे कार्यक्रम को बच्चों को यौन भावनाओं को उभारते हैं और साथियों वे असामाजिक कार्यों की तरफ लगते हैं। टीवी पर भी कई ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जिनका वास्तविक जीवन से दूर का भी सरोकार नहीं होता है। अश्लील साहित्य भी बालक का नकारात्मक प्रभाव डालता है, बालक के व्यवहार को जो प्रभावित करती है। तमाम साथियों सीरियल्स वगैरह या तमाम मूवीज वगैरह तमाम चीज़ें आप लोग देखते होंगे, इसका साथियों क्या होता है, बालक के जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी यह डालता है। अगला साथियों कारण बताया कि अनैतिक समाज। अनैतिक समाज के संबंध में हम बात करें साथियों, तो प्रत्येक समाज में कुछ मौलिक सिद्धांत तो होते हैं जिसका समाज में यह सिद्धांत नहीं होता साथियों कि वह समाज खत्म हो जाए। अगर समाज के लोग इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं तो बालक भी इन सिद्धांतों का तो बालक साथियों इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं और वह भटक जाते हैं, रास्ते से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। जिस समाज में शराब पीना, जुआ खेलना, नशा आदि इत्यादि जैसी कुरीतियां व्याप्त हों साथियों, ये सभी कुरीतियाँ साथियों जिस समाज में क्या हों, व्याप्त हों कि शराब लोग पीते हों, जुआ खेलते हों, नशा करते हों, गालियाँ देते हों, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति कुशल ना हो, तो बच्चे भी साथियों इसी राह पर चलना पसंद करते हैं और चलते भी हैं और इनके बालक में जटिलता के साथ क्या होता है, सीधा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चे अच्छी चीजें कम सीखते हैं, जो गलत चीजें होती हैं, जो उनके व्यक्तित्व को प्रभाव करने वाली चीजें होती हैं साथियों वो ज्यादा सीखते हैं। इस वजह से ये अनैतिक समाज को भी नहीं प्रारूप देना चाहिए। अगला कारण बताया गया बेरोजगारी। सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया साथियों, बेरोजगारी। बेरोजगारी के संबंध में कहा गया साथियों कि जब बालक स्कूल में पढ़ रहा होता है तो उसका उसे साथियों बालक को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत लगता है साथियों कि देश में बेरोजगारी काफ़ी अधिक है, तो उसका साथियों उस बालक को ऐसा लगता है कि बालक पढ़ रहा है तो वह बेकार है, अगर वह पढ़ भी लेता है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है। यह विचार बालक के नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और यह व्यावहारिक रूप से जटिल होता है कि बालक आप कितना भी पढ़ लिख लिए, शिक्षित हो गए, आप समाज में जब विद्यालय में हैं उसमें तमाम चीजों को ऐसे देख रहे हैं, तमाम लोगों को ऐसे देख रहे हैं, तमाम एग्जांपल्स आप लोगों के सामने ऐसे होते हैं कि आप लोगों को यह लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया जाए फिर भी नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी हमारे भारत देश में क्या है काफी ज्यादा मात्रा में व्याप्त है, तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब है। यह भी साथियों एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगला कारण बताया गया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के संबंध में हम बात करें तो साथियों समाज में हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो समाज में फैला भ्रष्टाचार भी बालक के व्यवहार को जटिल बनाता है। जब उसको यह लगता है साथियों कि सरकार में प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार है और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है तो उसका व्यवहार क्या होता है, जटिल हो जाता है और असामान्य व्यवहार करने लगता है। उसका मन जो होता है वो पढ़ने की तरफ नहीं लगता है और अपने साथियों अध्यापकों के लिए क्या होता है, वही बालक समस्या बनकर उभरने लगता है। ये होता है क्या, भ्रष्टाचारी होती है। ठीक, अब आगे हम ये साथियों तीन प्रकार के समाज को हम लोगों ने अच्छे से जाना, कौन कौन सा समाज घर सॉरी तीन प्रकार के वातावरण को हम लोगों ने अच्छे से जाना। पहला वातावरण हम लोगों ने घर का जाना, दूसरा वातावरण हम लोगों ने स्कूल का जाना और इसके साथियों कुछ भेद भी हैं, तीसरा वातावरण हम लोगों ने सामाजिक वातावरण के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब आगे हम बात करेंगे कि समस्यात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, समस्यात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो आइए हम बात करें, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब आगे हम लिखेंगे, हम लोगों की हेडिंग होगी कि समस्यात्मक बालकों की पहचान। स-
समस्यात्मक बालकों की पहचान के बारे में हम बात करें साथियों, तो समस्यात्मक बालकों की पहचान उनके व्यवहार से की जाती है कि बालक का व्यवहार कैसा है, बालक हमसे किस प्रकार से पेश आ रहा है, बालक किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है और बालक की रुचि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों से हम समस्यात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला अगर साथियों बात करें तो पहचान करने का तरीका बताया गया निरीक्षण विधि। कौन क्या बताया गया? निरीक्षण विधि अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड बताया गया निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि के बारे में हम बात करें साथियों, तो इस विधि में अध्यापक हो या तो फिर मनोवैज्ञानिक हो या तो साथियों अन्य कोई विशेषज्ञ हो, ये विशेषज्ञ बालक के व्यवहार का इस निरीक्षण विधि से ऑब्जर्वेशन मेथड से बालकों को ऑब्जर्व करके, बालकों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके इस विधि से साथियों समस्यात्मक बालकों की पहचान किए जा कर सकते हैं। इसमें भी साथियों इसके भी दो प्रकार बताए गए, निरीक्षण विधि को ऑब्जर्वेशन मेथड के भी दो प्रकार बताए गए। पहला बताया गया सहभागी, दूसरा बताया गया असहभागी। पहला प्रकार बताया गया साथियों सहभागी और दूसरा प्रकार जो बताया गया वो असहभागी। ये कितने साथियों? ये दो प्रकार बताए गए। किसके? निरीक्षण विधि के दो प्रकार बताए गए। हम इसमें बात करें साथियों तो सहभागी निरीक्षण में बालक के साथ रहकर क्रियाकलापों में भाग लेकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। सहभागी जो साथियों इसका प्रकार बताया गया तो सहभागी प्रकार के बात करें, सहभागी निरीक्षण के संबंध में हम बात करें तो इसके अंतर्गत बालक के साथ रहें आप और उसके क्रियाकलाप क्या हों, उन क्रियाकलापों में आप स्वयं भाग लें, उसके व्यवहार का अध्ययन करें और साथियों समस्या को पहचानना, इसके अंतर्गत समस्या को पहचाना जाता है सहभागी जो निरीक्षण होता है इसके अंतर्गत। अगली अगर हम बात करें असहभागी निरीक्षण की तो असहभागी निरीक्षण में दूर से बालक के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। बालक को यह ज्ञात न हो सके कि हमारी चीज़ों को, हमारी गतिविधियों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, हमारी चीज़ों को, हमारी गतिविधियों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यह ज्ञात बालक को नहीं होना चाहिए और उसका निरीक्षण किया जा सकता है। ठीक इस प्रकार का जो निरीक्षण होता है उन समस्याओं का पता लगा सकते हैं। साथियों साथ ही साथ अप्रत्यक्ष यह दिखाई देता है, यह जो होता है इस प्रकार का निरीक्षण जो होता है, इस प्रकार के निरीक्षण के द्वारा उन समस्याओं का पता लगा सकते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जैसे आक्रामकता, अगर बालक जो है आक्रामक होगा तो वह किस में? असहभागी के रूप में होगा। वह किस में? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें वो असहभागी के रूप में आएंगी और जो आप बालक के साथ रहकर उसके कार्यक्रम में उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो मतलब अन्य क्रियाकलाप हैं उसमें पार्टिसिपेट करके आप चीज़ों को, जो जिन विधि को आप समझ रहे हैं उसके क्रियाकलापों को जिस प्रकार से समझते हैं वह सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक अगला साथियों पहचान करने का तरीका बताया गया साक्षात्कार विधि। दूसरा साथियों बताया गया साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के संबंध में हम बात करें तो इस विधि में कहा गया साथियों कुछ समस्याओं की पहचान निरीक्षण द्वारा नहीं हो सकती। जैसे बात करें तो बालक की हीन भावना है तो हीन भावना को हम कैसे जानेंगे? इस चीज़ को साथियों हम किसके द्वारा? निरीक्षण के द्वारा नहीं पता लगा सकते। इस चीज़ का हम जो है परीक्षण अगर बात करें तो हम साक्षात्कार विधि से इस समस्या की गहन पता लगा सकते हैं। इसमें साथियों अध्यापक मनोवैज्ञानिक हों चाहे विशेषज्ञ हों, इसमें बालकों का साक्षात्कार लेते हैं। ये साक्षात्कार या तो साथियों संरक्षित होते हैं या तो असंरक्षित होते हैं। संरक्षित की अगर हम बात करें तो संरक्षित का मतलब यह कहा गया कि जब साक्षात्कार है तो प्रत्येक प्रश्न पूर्व में ही तैयार कर लिया जाता है और वही प्रश्न उसी क्रम में पूछे जाते हैं तो यह संरक्षित साक्षात्कार कहलाता है। और असंरक्षित साक्षात्कार की बात करें तो इसमें प्रश्नों का कोई निश्चित क्रम और स्वरूप नहीं दिया जाता, प्रश्नों का निश्चित क्रम और स्वरूप नहीं दिया जाता। इसमें साक्षात्कर्ता जो होता है वह आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार बना लेता है या परिवर्तित कर लेता है। प्रश्नों का जो स्वरूप होता है इसका भी दो प्रकार बताया गया। इसमें प्रश्नों का दो स्वरूप बताया गया। कौन कौन सा स्वरूप? पहला स्वरूप बताया गया, सबसे पहले आप यह जानिए कि साक्षात्कार विधि के दो रूप बताए गए। कौन कौन से रूप बताए गए ये आप लोगों को बताना है। पहला बताया गया संरक्षित विधि और दूसरा असंरक्षित। संरक्षित
और दूसरा असंरचित, संरचित। इसके भी साथियों साक्षात्कार विधि के भी दो रूप बताए गए, कौन कौन से? पहला बताया गया बंद अंत वाला और दूसरा खुले अंत वाला। पहला बताया गया बंद अंत वाला और दूसरा प्रकार बताया गया कौन सा? खुले अंत वाला। खुले अंत वाला। अब साथियों हम बात करें तो बंद अंत वाले प्रश्नों में साथियों उत्तर हाँ या ना, सत्य या असत्य, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत दिया जाता है, ये रूप में देना होता है। अर्थात हम बात करें तो बालक को अपने उत्तरों को दिए गए विकल्पों के आधार पे देना होता है, जो भी विकल्प आपके प्रश्न में पूछा जाता है। खुले अंत वाले प्रश्न की बात करें तो इसमें उत्तर बालकों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि आप किस प्रकार का उत्तर देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार आप स्वयं दीजिए। बालक जितना लंबा और जिस प्रकार की इच्छा, बालक जितना लंबा और जिस प्रकार का भी साथियों उत्तर देना चाहता है वह दे सकता है। असंरचित खुले, असंरचित और खुले शब्दों में उनके अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बालकों के उत्तरों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके समस्या की पहचान भी किया जा सकता है, ये चीज कहा गया। अगला साथियों पहचान का तरीका बताया गया इतिहास विधि। इतिहास विधि साथियों अगला तरीका बताया गया कि समस्यात्मक बालकों की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो इसके लिए तीसरा तरीका जो बताया गया वो इतिहास विधि। इतिहास विधि के संबंध में हम बात करें अगर, तो इसमें साथियों बालक का पिछला इतिहास का पता लगाया जा सकता है कि मतलब बालक का बैकग्राउंड क्या है, बालक का बैकग्राउंड क्या है इसका पता लगाया जा सकता है। इसके लिए साथियों उसके परिवार के सदस्यों, मुख्यतः अगर बात करें तो इसके अंतर्गत उसके माता पिता आते हैं, विद्यालय के कर्मचारी आते हैं, बच्चे के अध्यापक आते हैं, बच्चे के प्रधानाचार्य आते हैं, बच्चे के मित्र आते हैं, साथ ही साथ उसके जो सहयोगी, बच्चे के जो सहयोगी होते हैं, इन सभी लोगों से बात किया जाता है। बच्चे का जो संरक्षक होता है, गार्जियन होता है, साथियों पेरेंट्स जो होते हैं, इन सभी लोगों से बातचीत किया जाता है। परिवार, विद्यालय, सामाजिक संस्थाओं में किए गए उसके व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि बालक किस प्रकार का है, बालक किस प्रकार का है, यह इस तरीके से पता लगाया जाता है। चौथा साथियों पहचान करने का तरीका बताया गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है साथियों समस्यात्मक बालकों की पहचान लगाने के लिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो आजकल समस्यात्मक बालकों की पहचान के लिए कई परीक्षणों का भी निर्माण किया जा चुका है। इन परीक्षणों का प्रयोग बालक पर उसकी समस्या से अवगत, इन उसकी समस्या से क्या होता है, इन साथियों परीक्षणों का प्रयोग करके बालक पर साथियों उसकी जो समस्या है उसके आप अवगत हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो मूनी की समस्या, जांच की समस्या, भाग्या की समस्या, जांच सूची की समस्या, कभी कभी समायोजन प्रश्नालियों साथियों का प्रयोग भी समस्यात्मक बालकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत साथियों कौन कौन सी समस्या बताई गई? पहली समस्या बताई गई मुनि की समस्या, मुनि की समस्या। इसी में साथियों दूसरी जो समस्या बताई गई आपके लिए वो बताई गई जांच सूची की समस्या, जांच सूची की समस्या। तीसरा साथियों जो बताया गया वो बताया गया भाग्या की समस्या, और चौथी समस्या जो बताई गई साथियों वो क्या बताई गई? भाग्य की समस्या बताई गई साथियों, और कभी कभी जांच सूची के तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ये सभी समस्याएं साथियों मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विधि बताई गई। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विधि मुनि समस्या विधि है, जांच सूची समस्या विधि और भाग्य की
समस्या विधि है, इससे हम क्या कर सकते हैं, समस्यात्मक बालकों का पता लगा सकते हैं। कुछ साथियों समायोजन प्रश्नावलियों के नाम भी हैं, जैसे सिन्हा एंड सिन्हा प्रश्नावली दिया गया है। इस विधि से साथियों विद्यालय जो होता है वह विद्यार्थियों के लिए समायोजन सूची क्या करता है साथियों, साथ ही साथ मित्तल की समायोजन सूची बताई गई। इन सभी परीक्षणों को साथियों करके बालकों से साथियों इन सभी जो परीक्षण होते हैं इन परीक्षणों को बालकों से भरवाया जाता है और भरवा कर समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो परीक्षणों में प्रश्नों का उत्तर कई बार साथियों बालक सही नहीं दे पाते हैं। सामाजिक वांछनीयता जो होती है इनके आधार पर साथियों वो अपने दोषों को छिपा लेते हैं और परीक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को क्या करते हैं, अंतिम नहीं माना। इन परीक्षणों का जो निष्कर्ष निकलता है इसे अंतिम नहीं माना गया है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण ये परीक्षण दिए गए हैं। ठीक, ये साथियों क्या बताए गए, समस्यात्मक बालकों की पहचान करने के 4 तरीके बताए गए। कौन कौन सा, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और साथियों इतिहास विधि और चौथा बताया गया मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि। इससे क्या करते हैं, समस्यात्मक बालकों की पहचान हम कर सकते हैं। अगला साथियों बताया गया कि समस्यात्मक बालकों की अगर आप पहचान तो कर लिए, लेकिन अब उसका निवारण विधि क्या है इसे भी हम लोग जानेंगे। समस्यात्मक बालकों के निवारण विधि क्या है इसे भी हमें जानना चाहिए। तो समस्यात्मक बालकों के हम लोग निवारण विधि जानेंगे, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। समस्यात्मक बालकों के निवारक विधि, समस्यात्मक बालकों की निवारक विधि क्या हो सकती है इसे हम लोग जानेंगे। इसमें साथियों सबसे पहली विधि बताई गई उचित जानकारी। क्या बताई गई, उचित जानकारी। उचित जानकारी के संबंध में क्या कहा गया साथियों कि जब बच्चों के विद्यालय में दाखिला करवाया जाए तो विद्यालय को यह चाहिए कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी विद्यालय में रखे। जैसे अगर बात करें तो माता पिता का व्यवसाय क्या है, शिक्षा, परिवार, निवास, ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं बच्चे से संबंधित, यह सभी जानकारी विद्यालय में रखना अनिवार्य होता है। यदि बालक में कोई शारीरिक या मानसिक रोग हो तो उसका भी उल्लेख उसकी उस जानकारी में कर दिया जाना चाहिए। अध्यापक को यह भी चाहिए साथियों कि वह बालक के बारे में पूरी जानकारी रखे। अगर बालक का कोई शिक्षा से संबंधित या कोई घरेलू समस्या है तो वह बालक के माता पिता से मिलकर उसका समाधान निकाले। अगर अध्यापक को बालक के बारे में पूरी जानकारी है और समय समय पर अध्यापक से बालक के माता पिता मिलते जुलते रहते हैं तो बालक अधिक अनुशासित रहता है। अगर बालक के माता पिता और अध्यापक एक दूसरे से अगर समय समय पर क्या करेंगे साथियों, मुलाकात करते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, तो इससे जो बालक होगा वो बालक ज़्यादा अनुशासित रहेगा, अर्थात अनुशासन में रहेगा। वह विद्यालय में कोई भी अनुचित कार्य नहीं करेगा। कारण यह है साथियों कि वह बालक जानता है कि अगर मैं अनुचित कार्य करूंगा तो मेरी शिकायत माता पिता तक पहुंच जाएगी। कारण उसका यह है कि हमारे माता पिता हमारे अध्यापक से, हमारे क्लास टीचर से या संबंधित सब्जेक्ट के या तो संबंधित विद्यालय के ही साथियों जो अध्यापक हैं उनसे मुलाकात होती रहेगी, तो समस्या के जो भी हमारे अनुचित कार्य होंगे उसका क्या होगा, उसकी जानकारी हमारे माता पिता को होगी और हमें हो सकता है डांट भी पड़े। ठीक, अगली साथियों निवारक विधि बताई गई कि मिलनसार व्यक्तित्व होना चाहिए। मिलनसार व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्तित्व जो होता है साथियों यह समस्यात्मक बालकों की निवारक विधि होती है। अध्यापक को यह चाहिए साथियों कि वह कक्षा में पाठ पढ़ाने के लिए पूर्ण तैयारी से आए। अगर अध्यापक की तैयारी पूर्ण है तो वह इसका प्रभाव बालकों पर डाल सकता है। अध्यापक का स्वभाव लचीला होना चाहिए तथा उसे अध्यापक को हमेशा बालकों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। बालकों की शिक्षा संबंधी समस्या का जो व्यक्तिगत रूप होता है उस रूपों में समाधान भी करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर कम हो जाता है, अर्थात उसका मतलब शिक्षक का जो प्रभाव होता है वो बच्चों पर क्या होगा, कम होगा।
अगला साथियों जो निवारक विधि बताई गई वह उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना को रखना यह भी एक निवारक विधि है। उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना के विषय में कहा गया साथियों कि समय समय पर विद्यालय में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बालकों की भागीदारी उनमें निश्चित करनी चाहिए और उनके कार्य करने के जो स्वतंत्रता हो वह स्वतंत्रता भी उन्हें दे देनी चाहिए कि कौन सा बालक कौन से कार्य में निपुण है, कौन सा बालक कौन सा कार्य कर सकता है, और जब उसे वह कोई कार्य दिया जाए, जब संबंधित बालक को कोई कार्य दिया जाए तो उसमें उसे पूरी स्वतंत्रता भी दे देनी चाहिए। उससे साथ उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी, आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा और वह वांछित व्यवहार में कमी आएगी, वांछित व्यवहार में क्या होगी, कमी आएगी। अगला साथियों जो विधि बताई गई वो व्यस्त रखना बताया गया, व्यस्त रखना, व्यस्त रखना भी साथियों क्या बताया गया, यह एक निवारक विधि है। जब तक हो सके साथियों तो विद्यालय में बालकों को व्यस्त रखना चाहिए, अगर उनका कोई साथियों पीरियड खाली होता है तो अब विद्यालय को इसका प्रबंध करना चाहिए कि बच्चे खाली न बैठे। विद्यालय संबंधित जो भी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, विद्यालय के जो भी जिम्मेदार लोग हैं साथियों, उन लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे का कोई पीरियड खाली होता है तो बच्चे खाली न बैठें, उन्हें कोई ना कोई ऐसे अध्यापक को कक्षा में भेजना चाहिए कि जिन्हें जो साथियों उन बच्चों को क्या कर सके, उन्हें इंगेज रख सके, उन्हें व्यस्त रख सके। ठीक साथियों, बालकों को कक्षा में पढ़ाने का अभ्यास भी करवाना चाहिए, ऐसा करने से बालक में आत्मविश्वास भी पैदा होता है, उनके व्यक्तित्व का निखार होता है और वह क्या अनुशासनशील होते हैं, अनुशासित तो होते हैं साथियों बालक उसमें। और अगला साथियों विधि बताई गई प्रशंसा करना, अगली विधि बताई गई प्रशंसा करना, बालक की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना अगली विधि बताई गई। इसके संबंध में हम अगर बात करें तो विद्यालय द्वारा सौंपे गए कार्यों को अगर बालक उचित प्रकार से करता है तो विद्यालय या कक्षा, विद्यालय साथियों या कक्षा अध्यापक को यह चाहिए कि वह बालक का सम्मान करे और विद्यालय के दूसरे बालकों के सम्मुख उसका उदाहरण भी प्रस्तुत करे। ऐसा करने से बालक में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और वह विद्यालय द्वारा जो भी किए गए कार्य होते हैं उसके लिए और अधिक मेहनत और अधिक लगन के साथ मेहनत करने का कार्य करेगा। अगर उस बालक का क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, बालक को बालक का सम्मान किया जाएगा, प्रशंसा किया जाएगा। अगला साथियों इसमें निवारक विधि बताई गई अनुशासन, अनुशासन साथियों निवारक विधि बताई गई, अनुशासन को किस प्रकार से निवारक विधि की श्रेणी में रखा गया इसे हम लोग जानेंगे। तो साथियों विद्यालय में इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय में अनुशासन का संपूर्ण पालन किया जाए, अध्यापक को भी यह चाहिए कि वह भी साथियों विद्यालय पर समय पहुंचे। अगर अध्यापक कक्षा में समय पर पहुंचते हैं तो बालक को भी समय पर विद्यालय में आना पड़ेगा। जब बालक समय पर विद्यालय आएगा वह स्वाभाविक रूप से उसके जटिल व्यवहार का क्या होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला साथियों जो निवारक विधि बताई गई वो बताई गई अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त कार्य के संबंध में कहा गया साथियों कि अगर कोई बालक कक्षा में आवश्यकता से अधिक शरारतें करता है, कक्षा में दूसरे बालकों व अध्यापक के लिए समस्या पैदा करता है या स्वयं बालक समस्या बनता है अगर अध्यापक के लिए, तो ऐसे बालक से अतिरिक्त कार्य करवाना चाहिए, भविष्य में वह ऐसी फिर से गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब अगर बालक जो होता है संबंधित कक्षा के अगर बालकों को डिस्टर्ब करता है या बालक या अध्यापक को डिस्टर्ब करता है तो उसे अतिरिक्त कार्य दे देना चाहिए जिससे कि वह क्या हो, वह व्यस्त रहे, जिससे वह क्या रहे, व्यस्त रहे। अगला साथियों जो विधि बताई गई वो बताई गई मौखिक सजा, क्या बताई गई, मौखिक सजा, मौखिक सजा, मौखिक सजा के अगर मौखिक सजा के अंतर्गत हम बात करें साथियों तो यदि कोई बालक कक्षा में आवश्यकता से अधिक शरारत करता है, आवश्यकता से अधिक अगर वह शरारत करता है तो उसे पूरी कक्षा के सामने खड़ा कर देना चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। भविष्य में अगर वह गलती को बार बार दोहराता है तो इस बात की सूचना उसके माता पिता को देनी चाहिए, उसके माँ बाप को बुलाकर समस्या का समाधान निकालना चाहिए। यह जिम्मेदारी जो होती है किसकी होती है, अध्यापक की या विद्यालय प्रशासन की या विद्यालय की होती है। अगला साथियों समस्या का निवारण विधि बताई गई क्षमा याचना,
क्षमा याचना भी साथियों निवारण विधि बताएगी। क्षमा याचना, क्षमा याचना के संबंध में हम अगर बात करें साथियों, अगर कोई बालक गलती करता है तथा वह अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करता है तो उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका देना चाहिए। अध्यापक को हमेशा बालक को या अध्यापक को ही नहीं, जो भी गार्जियन है, संरक्षक हैं, उसके देखभाल करने वाले लोग हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोगों को साथियों, बालक को गलती करता है अगर वह, तो उसे अपनी गलती को उसकी गलती को क्षमा कर देना चाहिए और उसे अपनी गलती को सुधारने का भी मौका देना चाहिए। अध्यापक को भी चाहिए साथियों कि वह अपने मन में बालक के प्रति कोई दुर्भावना न रखे। अगला साथियों अगर हम बात करें तो अगला इसमें निवारक विधि के अंतर्गत बताया गया साथियों कि शारीरिक दंड भी उसे देना चाहिए। दसवीं विधि बताई गई, क्या विधि बताई गई? शारीरिक दंड। शारीरिक दंड, शारीरिक दंड के विषय में यह कहा गया साथियों कि शारीरिक रूप से किसी भी बालक को दंडित करना वर्जित है, लेकिन कई प्रबंधक या अध्यापक इस बात का समर्थन करते हैं। अतः शारीरिक दंड का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। जब भी बालक को शारीरिक दंड दिया जाए तो यह पूरी रूप से अनुचित है साथियों, लेकिन कुछ भी प्रबंधक हैं, कुछ विद्यालय हैं, कुछ विद्यालय के अध्यापक हैं, कुछ कक्षा अध्यापक हैं साथियों, जो कि इस विधि का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके कार्यों को देखकर, प्रयोग की स्थिति को देखकर ही साथियों शारीरिक दंड का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यह इसे भी निवारण विधि की श्रेणी में रखा गया है। अगला साथियों विधि जो बताई गई वह जुर्माना, फाइन, सॉरी 11 नंबर होगा, जुर्माना। जुर्माने के संबंध में कहा गया साथियों कि कई बार बालक गृह कार्य न कर पाने पर या जो भी चीज़ें अध्यापक के द्वारा दिया गया घर में याद करने के लिए, लर्न करने के लिए साथियों, तैयार करने के लिए जो भी होमवर्क दिया गया, अगर वह याद नहीं कर पाता है तो इस याद न कर पाने के कारण विद्यालय में वह नहीं आता है। कौन? बालक। और तो अगर वह विद्यालय नहीं आता है साथियों, तो ऐसे बालकों पर विद्यालय की तरफ से सख्ती से जुर्माना का प्रावधान करना चाहिए और माता पिता को भी इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि विद्यालय और आपका बच्चा ये सभी चीजें कर रहा है, कि आपका बच्चा विद्यालय अगर कोई होमवर्क दे दिया जाता है, कोई भी चीजें याद करने के लिए दी जाती हैं, कोई भी गृह कार्य दे दिया जाता है, तो वह विद्यालय नहीं आता है और विद्यालय का यह प्रावधान है। ठीक, अगला साथियों निवारक विधि बताई गई, कक्षा को दंडित करना। कक्षा को दंडित करना यह भी एक निवारक विधि है। कक्षा को दंडित करना, कक्षा को दंडित करने के संबंध में कहा गया साथियों कि कक्षा में अध्यापक के न होने पर उदंड बालक शरारत करते हैं और पूछने पर दूसरे बालक कुछ भी नहीं बताते हैं, तो पूरी कक्षा को दंडित करना चाहिए। ये साथियों स्थिति प्रत्येक बालक के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ कभी कभी होती है, कि जब मान लीजिए कि कक्षा अध्यापक हैं वो देर में आए, संबंधित कक्षा अध्यापक हैं साथियों, अगर क्लास में देर में आते हैं तो पूरे क्लास में हो हल्ला होने लगता है, लड़के शरारत करने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण जब साथियों कक्षा में अध्यापक आता है, पूछता है कि कौन हल्ला कर रहा था, कौन ऐसी गलती कर रहा था, क्या कैसे, तो उस दौरान अगर कोई भी लोग नहीं जानकारी देते हैं कि कौन हल्ला किया, कौन शरारत किया, कौन बदतमीजी किया साथियों, तो फिर उस दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों को दंडित किया जाना चाहिए। उस दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? बालक को दंडित करना चाहिए। इससे साथियों दूसरे बालकों पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह उदंड बालक का साथ नहीं देंगे, उदंड बालक का साथ कभी भी नहीं देंगे। ठीक साथियों, ये समस्यात्मक बालकों के निवारण विधि के कुल 12 तरीके बताए गए। कौन कौन से? और सभी 12 तरीकों के साथियों बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ, जितना हमसे हो सकता है उतना ज़्यादा हम एक्सप्लेन करने के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश किया। 12 विधि की मैं अगर बात करूँ साथियों, तो पहली विधि आप लोगों को क्या बताई गई? पहली विधि बताई गई कि उचित जानकारी देनी चाहिए। दूसरी विधि, मिलनसार व्यक्तित्व का होना चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, व्यस्त रखना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, अतिरिक्त कार्य करना चाहिए, मौखिक सजा देनी चाहिए साथियों, तथा क्षमा याचना की भी भावना रखनी चाहिए, शारीरिक दंड देना चाहिए, जुर्माना रखना चाहिए और संपूर्ण कक्षा को भी दंडित करने का कार्य
किया जाना चाहिए। ठीक साथियों, ये क्या है समस्यात्मक बालकों के कुछ निवारक विधि है। अब अगला साथियों इसी समस्यात्मक बालकों के संबंध में अगला अंतिम और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए। समस्यात्मक बालकों के ये पार्ट साथियों अलग है, यहीं पर मैं इसे लिख देता हूँ और आप सभी लोग इसे नोट करिएगा। अगले साथियों जो टॉपिक होगा हम लोगों का इसमें कि समस्यात्मक बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। सभी चीज़ें हम लोग समस्यात्मक बालकों की पढ़ लिए, अब इनकी हम शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों समस्यात्मक बालकों की जिस शिक्षा होनी चाहिए इसके कुछ तरीके साथियों बताए गए जिसे मैं यहाँ पे नोट करने की कोशिश करूँगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी नोट करिएगा। साथियों पहला तरीका इसका बताया गया कि बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर बालक की प्रवृत्ति को, अगर थोड़ा सा छोटा रहेगा तो मैं बोल भी रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतने में ही मुझे पूरा लिखना है, लगभग 8-10 पॉइंट हैं। बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरित करना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये साथियों क्या दिया गया, शिक्षा का पहला तरीका बताया गया। दूसरा तरीका इसमें कहा गया साथियों कि बालकों की क्रियाओं पर नजर रखी जाए, बालकों की क्रियाओं पर नजर रखी जाए, तीसरा साथियों तरीका यह बताया गया कि नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाना चाहिए, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। और चौथा साथियों जो बताया गया शिक्षा का तरीका कि खेल कूद व स्वास्थ्य शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, खेल कूद व स्वास्थ्य शिक्षा की उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा की उचित व्यवस्था किया जाए। पांचवा साथियों जो तरीका बताया गया वह बताया गया कि इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, बालकों की इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, छठवां साथियों जो तरीका बताया गया वो बताया गया कि अनुशासन की भावना हमेशा विकसित रहना चाहिए, करना चाहिए, अनुशासन की भावना हमेशा विकसित करना चाहिए। अनुशासन की भावना हमेशा विकसित करना चाहिए। सातवां तरीका जो बताया गया वह बताया गया साथियों कि रुचियों के प्रदर्शन के अवसर को भी, बालकों की रुचि क्या है, बालकों के किस क्षेत्र में किस चीज़ में रुचि है साथियों, उसका उसके उस रुचि का प्रदर्शन करने का भी अवसर दिया जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि रुचियों के प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, रुचियों के प्रदर्शन के अवसर प्रदान करना, रुचियों के प्रदर्शनों के अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आठवां साथियों जो तरीका बताया गया वह बताया गया कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए,
नौवां साथियों जो तरीका बताया गया नौवां तरीका यह बताया गया साथियों कि छात्र के प्रति अध्यापक का व्यवहार सहयोगपूर्ण होना चाहिए। छात्र के प्रति अध्यापक का व्यवहार सहयोगपूर्ण होना चाहिए। ठीक, और अगला दसवां और अंतिम साथियों जो शिक्षा की व्यवस्था तरीका बताया गया, वह बताया गया कि मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों को मैं नीचे जो लिख रहा हूँ बोल भी रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई देगा तो आप लोग उसे नोट करिएगा कि मूल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। साथियों ये कुल दस समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के तरीके बताए गए। टोटल 10 साथियों तरीके बताए गए समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के। मैं फिर से इसे बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा लिखा है लेकिन मैं उसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसे मैच कराते हुए लिखने की कोशिश करिएगा। पहला तरीका बताया गया कि बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रेरित करना चाहिए। बालक की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। दूसरा तरीका बताया गया कि बालकों की क्रियाओं पर नज़र रखनी चाहिए। तीसरा तरीका बताया गया कि नैतिक शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। चौथा तरीका बताया गया कि खेल कूद व स्वास्थ्य शिक्षा की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा तरीका बताया गया कि इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। छठवां तरीका बताया गया कि अनुशासन की भावना हमेशा विकसित करनी चाहिए, बालक में हमेशा अनुशासन की भावना विकसित करनी चाहिए। और सातवां तरीका बताया गया कि रुचियों के प्रदर्शन के अवसर भी प्रदान करना चाहिए कि बालक की रुचि क्या है। आठवां तरीका जो बताया गया वह बताया गया कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए। और नौवां तरीका जो बताया गया वह कहा गया कि छात्र के प्रति अध्यापक का व्यवहार जो हो वह सहयोगपूर्ण हमेशा होना चाहिए। दसवां और अंतिम समस्यात्मक बालकों के शिक्षा का तरीका बताया गया कि मूल प्रवृत्तियों को, बालक की जो मूल प्रवृत्ति है उसे ध्यान में रखकर ही कार्य हमेशा करना चाहिए। तो ये साथियों हम लोगों ने समस्यात्मक बालकों की विशेषता क्या है और उसके कारण क्या होते हैं, साथ ही साथियों समस्यात्मक बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तार के साथ समझने की कोशिश किया। ठीक साथियों, और समस्यात्मक बालकों के निवारण विधि क्या होती है और शिक्षा का तरीका भी हम लोगों ने पढ़ा। कल की क्लास में साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि सीखने की कम क्षमता वाले बालक और बाल अपराधी कैसे होते हैं, इनके बारे में ये सभी चीज़ें, दो तीन टॉपिक और बचे हैं, दो तीन चार तरीके और बचे हैं, इसे हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लिए समझ लिए तो ये आप मान लीजिए कि बालकों को समझने की आपके अंदर पूरी प्रवृत्ति आ जाएगी। बालकों की समझने की जो भी तरीके होते हैं, व्यक्ति को, यहाँ बालकों के क्या, व्यक्ति को समझने के जो तरीके होते हैं वो आप लोगों के अंदर विकसित हो जाएगी। तो इसे आप लोग अच्छे से जानिए, समझिए, पढ़िए, प्रॉपर अपनी नोट्स बनाइए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें साथियों समझने वाली चीज़ें हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट जैसे कुछ चीज़ें हैं उसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो समझने वाली चीज़ें हैं उसकी भी मैंने बिल्कुल अच्छे से व्याख्या किया, अच्छे से समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों मैंने आप लोगों को बताई। जो नहीं समझ में आता है उसी के संबंधित पॉइंट के सामने आप लोग उसकी व्याख्या थोड़ा सा आउटलाइन लिख सकते हैं। ठीक, बाकी समझने की चीज़ें हैं। क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, प्रॉपर वे में सभी क्लासें आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड कर दी गई हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप साथियों थ्योरी की पूरी क्लासों को आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपको चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करें, चाहे सी टेट की तैयारी करें, यहाँ तक कि सुपर टेट की भी अगर आप तैयारी करते हैं, अगर हमारी सभी क्लासों को आप लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके एग्ज़ाम से बाहर आ गया तो आप जो कहेंगे सो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, तो आप लोग क्लासों को देखिए, प्रॉपर अपने हाथ से, स्वयं अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर करिए,
है, ना किसी पीडीएफ की, ना किसी क्लास नोट की, ना ही किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। ठीक, आप इसे पढ़िए। अगर आपका कोई डाउट होता है, सभी क्लासों को लीजिए आप, जहाँ आपका डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ें और आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं आपको ये डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है फिर, ये सारी चीज़ें हैं और आप वहाँ अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप सभी लोगों के लिए प्रत्येक क्लास के सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप अपने सुझाव को कमेंट कर सकते हैं, आपके सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जो भी आपके सोशल मीडिया पेट है, आप जो भी यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आप साथियों यूज़ करते हैं जो भी चीज़ें, इन सभी क्लासों की लिंक भी आप लोग शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक भी साथियों ये क्लासें पहुँचे, जिन्हें ऐसे क्लासों की सख्त से सख्त क्या है आवश्यकता है। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।